नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा आपके साथ। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरसी में स्थित सबसे बड़ी स्पेशल बारूद फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ था। फैक्ट्री में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त हो गया है। कलेक्टर ने पुष्टि की है कि इस हादसे में 8 मजदूर लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मजदूर की मेकाहारा ले जाते वक्त मौत हो गई थी। मलबा हटाने के दौरान कुछ मानव अंग मिले हैं जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि लापता मजदूरों की पहचान हो सके। फैक्ट्री प्रबंधन ने लापता मजदूरों के परिजनों को तात्कालिक राहत राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक सप्ताह बाद 5 लाख रुपए और देने का वादा किया गया है। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी ताकि घटना के कारणों का पता चल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो गया और 8 कर्मी जो है वो लापता है। जिला प्रशासन की टीम उनको ढूंढने में जो है वो कार्रवाई जारी है और तात्कालिक राहत के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि अभी तत्काल सहायता के रूप में आज अभी ही हम जो है वो जो व्यक्ति लापता हैं 8 उनके परिजनों को हम दे रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर जो है वो हम या तो जो लापता व्यक्ति हैं उनको ढूंढ निकालेंगे या फिर उनकी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि जो साइट है वहां पर उनके काम करने की आशंका जताई जा रही है और उसके बाद जो है वो 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वो भी प्रबंधन के द्वारा दे दी जाएगी। कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें मलबे में मिले हैं तो उनको हमने डीएनए जांच के लिए भेज दिया है और वो जांच जो है वो शीघ्र हो जाएगी। सर, एसआईटी गठन की भी बात सामने आ रहा है मजिस्ट्रेट जांच के लिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो गठित हो जाएगी। अभी रात को ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है वो आदेश निकल जाएगा और वो जो है जांच में सभी विषयों पे बात करेंगे कि किन कारणों से ऐसा हुआ और भविष्य में क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।